दोस्तों मैं हूं अभी DPS कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में और अपने सामने खड़ी है टाटा कर्व और ये रहने वाला है इसका सेकंड टॉप मॉडल अकम्प्लिश विद सनरूफ के साथ में। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसका की कंप्लीट बात करेंगे, पेट्रोल इंजन के साथ गाड़ी जो है वो रहने वाली है और कंप्लीट बात करेंगे कि इस वेरिएंट में आपको कंपनी कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक कंप्लीट डिटेल जो है इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको वाइपर जो है लोअर वेरियंट्स के मुकाबले थोड़े चेंजेस दिखेंगे, काफ़ी स्टाइलिश वाइपर जो है वो यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं और बात करते हैं लाइटिंग सेटअप की, तो LED बेस्ड आपको यहाँ पर लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टेड DRL जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हेडलाइट की बात करेंगे, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ऑफर करी गई हैं जो कि अपना LED बेस्ड रहने वाली हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप जो है वो भी मिल जाती है, जो कि अपना LED बेस्ड ही रहने वाली है विद कॉर्निंग फीचर के साथ में। कंप्लीट जो बेजल रहने वाला है वो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ दिया गया है और फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स यहाँ पे आपको एक कुछ तरीके का कटआउट देखने को मिल जाएगा। अपर ग्रिल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके से पियानो ब्लैक और सिल्वरिश इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं। लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा देख सकते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा जो है वो भी ऑफर किया जाता है। इसके अलावा स्किड प्लेट वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक और सिल्वर इंसर्ट्स अगेन प्रोवाइड किए गए हैं और सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दी गई है। तो बात करते हैं फ्रंट से, तो यही सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। मूव करते हैं कार के साइड व्यू में, तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का साइड व्यू जो है वो एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको 18 इंच के प्रोफाइल के साथ डुअल टोन फिनिश में अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है अपना 215/55R18 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। रियर में चलते हैं तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक जो है वो ऑफर करी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप चेक करेंगे व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ दी जाती है। और इस पोर्शन पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कर्व की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ आते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे विद साइड टर्न इंडिकेटर्स। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है साइड कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे स्मार्ट डोर हैंडल्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे इसकी जो बेल्ट लाइन वाला पार्ट है ये कंप्लीट सिल्वर इंसर्ट के साथ ऑफर किया जाता है, जो कि यहाँ तक अपना कवर करता है। ऊपर की तरफ आते हैं तो डुअल टोन में आने वाला है ये वेरिएंट, जिसमें आप इस वक्त देख रहे हैं ये जो कार अपने सामने खड़ी है ये अपना प्योर ग्रे वेरिएंट कलर रहने वाला है और अपनी कंप्लीट रूफ जो है वो आपको ब्लैक कलर के साथ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रियर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। कूपे शेप में गाड़ी आने वाली है, तो रियर से किस तरीके का लुक आने वाला है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको रियर में कनेक्टेड टेललाइट वगैरह की फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। LED बेस्ड रियर कनेक्टेड टेललाइट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रियर विंडो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर रियर डिफोकस की जो प्लेसमेंट है वो प्रोवाइड करी गई है। लोगों के ठीक नीचे आप देखोगे कैमरा रहने वाला है और इसके साथ ही आपको यहाँ पर प्रॉपर कर्व की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। लोअर पार्ट पर आपको ब्लैक इंसर्ट देखने को मिल जाएगा विद पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पर आपको एक सिल्वर कलर की जो इंसर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। तो ये रहने वाला है कंप्लीट इस कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल से। दोस्तों मूव करते हैं कार के इंटीरियर में। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करोगे जो अपना डोर हैंडल है वो आपको स्मार्ट डोर हैंडल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको एक रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं तो कुछ तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। और कार का इंटीरियर जो है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको कंप्लीट इंटीरियर एक थीम बेस्ड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके डोर पैनल्स की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डोर पैनल्स में क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन प्रोवाइड किया गया है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनर डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। चारों पावर विंडोज मिलती हैं, जिसमें ड्राइवर साइड विंडो जो है वो आपको ऑटो डाउन के फीचर के साथ दी जाती है। पियानो ब्लैक इंसर्ट आपको मिल जाएगा इस वाले पोर्शन के साथ। और जो कंप्लीट इंटीरियर पैनल है इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक वाइन या चेरी कलर जो है इंसर्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। डोर पॉकेट्स में आपको यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और बोतल होल्डर के लिए जगह मिल जाती है। और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको दरवाजों में देखने को मिल जाती है, जो कि पावर्ड बाय JBL होते हैं। अंदर से बात करें क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील आप चेक कर सकते हैं। तो स्टेयरिंग व्हील भी आपको जो है जिस तरीके से हैरियर में आपने देखा, सफारी में देखा, सेम स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको डुअल टोन का फिनिश ऑफर किया जाता है। कंप्लीट लेदर एट स्टेयरिंग व्हील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एक बार इसको ऑन करते हैं और आपको बाकी डिटेल दिखाते हैं।
तो दोस्तों बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर, और यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आता है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसकी की दिखा देता हूँ। तो की के अंदर अपडेट हो चुका है, टाटा की जो रेगुलर कीज़ आया करती थी उसके मुकाबले आप देखोगे तो स्मार्ट कीज़ के अंदर बदलाव है और लुक चेंज किया जा चुका है। अब आपको चार बटन जो है वो इस तरीके से मिलेंगे, जिसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा, एक बटन से आप बूट को रिलीज़ कर सकते हैं और एक बटन से आप यहाँ पे फॉलो मी इसके हेडलाइट का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही कीज़ आपको सेम जो है वो देखने को मिल जाएंगी, पीछे से लुक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम इसको ऑन करके, तो सबसे पहले आप देखोगे पुश बटन स्टार्ट की जो प्लेसमेंट वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप इसका लुक जो है वो चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का जो वेलकम फीचर है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है। डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 10.25 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आएगा। इसमें आप चेक करेंगे तो कंप्लीट जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आप चेक करेंगे स्टेरिंग माउंटेड क्रूज, MID कंट्रोल, सेंटर में लोगो, यहाँ पे आपको ऑडियो एंड कॉर्डिंग कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा स्टेरिंग व्हील का आपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको जो टेलीस्कोपिक का फीचर है वो नहीं मिलता, ओनली टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ऑटोमेटिक आपको हेडलाइट्स मिल जाती हैं और ऑटोमेटिक ही रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये डिजिटल टाइप का रहने वाला है, जिसमें आप स्पीडोमीटर इस साइड में देख सकते हैं और टैकोमीटर इस साइड में आपको मिल जाएगा। कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं। इस वक्त कार सिटी मोड पे है, सिटी की इंडिकेशन आपको यहाँ पे देगा। इसमें आपको तीन मोड मिल जाते हैं, सिटी, ईको और स्पोर्ट, जैसे कि हम लोग नेक्सॉन वगैरह में देख चुके हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी आ रहा है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, मीडिया, बाकी नोटिफिकेशन वगैरह जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और इसको जो है ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, पावर एंड टॉक का रेशो, सर्विस रिमाइंडर, इस तरीके से बाकी चीज़ें जो है आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो रहने वाली हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। सेंटर में आते हैं और बात करते हैं इसके स्टीरियो की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये भी 10.25 इंच का ही रहने वाला है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कापले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है, और चेक करवाते हैं कैसा रिस्पॉन्स जो है वो अपना आने वाला है। तो आप यहाँ पर चेक करें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कापले, AQI, क्लाइमेट वगैरह सारी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। JBL का मोड आपको मिल जाता है कि मूड लाइट वगैरह जो है आप यहीं से इसको सेट वगैरह कर सकते हैं, सारी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और 360 कैमरा इसमें आता है, जिसका व्यू आप इस तरीके से ले सकते हैं। इस वक्त अपना फ्रंट कैमरा दिखा रहा है, ये राइट साइड का कैमरा, ये लेफ्ट साइड का कैमरा, और रियर का व्यू आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। 3D मोड वगैरह में जो है वो आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं। पीछे वाली डिग्गी वाला पार्ट अभी हल्का सा खुला हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे आप चेक करोगे ये ब्लैक कलर में इसको आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। इसके अलावा इसमें आपको जो है वो एमएन लाइट जो है वो भी ऑफर करी गई है, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये अपना रहने वाला है डैशबोर्ड यूनिट के ऊपर, इस साइड में जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाता है, नीचे की तरफ अगेन जो है चेरी इंसर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो रहने वाला है, इसमें भी आपको कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लाइक 360 का आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का बटन है, बूट लीज का बटन है, यहाँ पे वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है, हिल डिसेंट कंट्रोल, फॉग लाइट वगैरह, और ये सब चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। नीचे आता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट है, और यहाँ पे भी आपको चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया है। ये है अपना मैनुअल ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे आप चेक करोगे इसका गियर लीवर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मोड वगैरह की बात करेंगे तो तीन मोड आते हैं, जो कि मैं आपको चेकआउट करवा चुका हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे वायरलेस फोन चार्जिंग का जो स्पॉट है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। अपना पार्किंग ब्रेक लीवर आता है क्रोम टिप के साथ, यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट जो है वो रहने वाला है, नीचे स्पेस आपको मिल जाएगा कुछ इतना, और ये अपना स्लाइडिंग इसमें नहीं है क्योंकि इसमें अपना चार्जिंग प्रोवाइड किया गया है, वायरलेस चार्जर आता है, तो स्लाइडिंग जो है इसमें नहीं आता जैसे नेक्सॉन में आता है। और नीचे की तरफ कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आते हैं, ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है ये आप चेक कर सकते हो, इसमें टिकट होल्डर है। इनसाइड रियर व्यू मेरा डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ है, यहाँ पे आपको LED बेस्ड केबिन लाइट मिल जाती है। सनरूफ ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है, सनरूफ की ओपनिंग कितनी कुछ रहने वाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉपर ही अपना पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर है, जिसमें आपको जो वैनिटी मिरर है वो मिल जाएगा, कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल जो है वो रहने वाले हैं। और नीचे ग्लोव बॉक्स अगर हम चेक करेंगे तो ग्लोव बॉक्स के अंदर कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है, जिसमें आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन कूलिंग का फीचर वो भी मिल जाता है, और यहाँ पे टैबलेट स्टोरेज वगैरह के लिए जगह जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे कप वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अगर हम सीट्स की, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे लेदरेट सीट अपोस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, और सेम इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ रहेगी। और ड्राइवर, को ड्राइवर, बोथ सीट्स आर वेंटिलेटेड आपको मिल जाने वाली है, जिसका वेंटिलेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपनी सीट्स है ये आपको पावर एडजस्टेबल मिलेगी, यहाँ से जो है इसको आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और रिक्लाइन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, हाइट को अप एंड डाउन करने का जो फीचर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर जो है एक लीवर प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे आप चेक करोगे मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार है तो आपको तीनों पेडल्स देखने को मिल जाए, और कोने में आप हल्का सा जो है वो यहाँ पे डेड पेडल देख सकते हैं। तो ये हो गई बात कार के फ्रंट रो की, चलते हैं कार के सेकंड रो में और आपको सेकंड रो से बताते हैं।
दोस्तों सेकंड रो की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड रो के डोर की ओपनिंग है वो आप सबसे पहले यहाँ से चेक कर सकते हैं कितनी कुछ आपको देखने को मिल जाती है। और फर्स्ट रो की तरह ही सेकंड रो के अंदर भी आपको सेम थीम देखने को मिल जाएगी। प्यानो ब्लैक इंसर्ट के साथ रहने वाला है। इनसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा। यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट है, यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट है और इसके साथ अपना रियर डोर चाइल्ड डोर का जो फीचर है वो आपको मिल जाएगा, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दी गई है। अंदर की तरफ बात करेंगे सेम आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है और हेडरेस्ट जो है वो आपको दोनों ही एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। ये जो सीट आती है दोस्तों ये आप चेक करोगे 60:40 के स्प्लिट डाउन फीचर के साथ है, यानी कि इसको आप जो है इस तरीके से 60:40 में भी डाउन कर सकते हैं, उस तरीके से 40:40 में भी डाउन कर सकते हैं। और क्योंकि अपना एकम्प्लिश प्लस एस वाला वेरियंट रहने वाला है तो इसके अंदर आपको यहाँ पे सेंटर में एक आर्मरेस्ट विद कप होल्डर के साथ देखने को मिल जाता है। ये हो गई बात। इसके अलावा बैठते हैं सीट पर और आपको बताते हैं कैसा कुछ स्पेस वगैरह मिलता है। तो ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट बहुत आर बिल्कुल पीछे की तरफ मैंने करी हुई है। यहाँ पे आप इसका लेग रूम वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। सीट के पीछे यहाँ पे आप चेक करोगे कोई पॉकेट वगैरह नहीं है। यहाँ पे आप चेक करोगे LED बेस्ड आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाएंगी। कोलेप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल्स हैं कोट हुक के साथ, दोनों साइडों में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेक करेंगे इस तरफ कोट हुक नहीं है, वहाँ पे लाइट आपको प्रोवाइड करी गई है। इसके अलावा जो अपनी सीट बेल्ट है इसको भी आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके का आपको फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में आप देखेंगे रियर में आपको AC वेंट है, यहाँ पे अपना चार्जिंग सॉकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, एक 5 वोल्ट का है और एक अपना 2.4 एम्पेयर का है और एक 3 एम्पेयर का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यही सब चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं इस कार के सेकंड रो में। बात करते हैं इंजन ऑप्शन की दोस्तों, तो इस कार में आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं, बट ये रहने वाला है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन वाला, जो कि आपको 88.2 किलोवाट की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। इस वेरियंट के अंदर आपको टोटल 5 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप व्हाइट, रेड, ग्रे, ग्रे में आपको प्योर ग्रे कलर मिलेगा जो कि आपके सामने गाड़ी है, इसके अलावा गोल्ड और अपना जो है ब्लू कलर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रही बात दोस्तों प्राइसिंग की, तो ये अपना रहने वाला है एकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसका शोरूम कॉस्ट आता है 14,69,990 रुपीज़ का। बेस्ट डील के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं DPS कासे कश्मीरी गेट शोरूम में। इसका की अदर डिटेल्स लाइक माइलेज, सेफ्टी फीचर्स वगैरह को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।